कबाड़ी से खरीदा सामान निकल आया अलादीन का चिराग, लेकिन आदमी का नहीं जिगाईमान। इंसान की किस्मत कब चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतिहास में कहानियां लिखी गई हैं कि अचानक से पलटी किस्मत जिंदगी बदल देती है। ऐसा ही कुछ टेक्सास के मिसौरी शहर में 67 साल के एमिल कैनोडेल के साथ हुआ। एमिल ने कबाड़ी की दुकान से कुछ इस्तेमाल की हुई चीजें यानी कि सेकेंड हैंड मटेरियल खरीदा, जिसमें से एक पुराना ड्रॉअर खरीदा। सामान लेकर एमिल अपने घर आ रहे थे कि तभी कुछ खड़खड़ाने की आवाज आने लगी। एमिल ने ड्रॉअर खोल कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। 1890 के इस ड्रॉअर में से बेशकीमती सामान बाहर निकला। ड्रॉअर के सबसे निचले खाने में कीमती हीरे और जवाहरात छिपे हुए थे। इसके अलावा कुछ अनमोल सामान भी रखा हुआ था। अलादीन के चिराग की तरह एमिल को अंदाजा नहीं था कि जिस ड्रार को उन्होंने सिर्फ $6,000 में खरीदा है उसके अंदर करोड़ों का सामान छिपा हुआ था। किसी आम शख्स के सामने इतनी संपत्ति आ जाए तो खुशी से पागल हो जाता, लेकिन एमिल को इन खजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। उन्होंने इस ड्रार के असली मालिक का पता लगाया और उसके सामान को उस तक पहुँचा दिया। बताते हैं कि सामान की कीमत करीब 98 लाख रुपए थी। एमिल कहते हैं कि जो सामान उनका नहीं उस पर दावा जताना गलत है, लिहाजा उसे उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर ये स्टोरी पढ़कर लोग हैरत भी जता रहे हैं और एमिल की ईमानदारी को सलाम भी कर रहे हैं।